नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 दिसंबर शुक्रवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर के कानोड नगर पालिका के अध्यक्ष के पति को रंगे हाथों रिश्वत लेते और उपाध्यक्ष को रिश्वत की डिमांड करते हुए एसीबी की टीम ने पकड़ लिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ने अलग अलग मामले में रिश्वत मांगी। अध्यक्ष चंदा मीना और उसके पति सत्यनारायण मीना ने ठेकेदार से नगर पालिका में कंप्यूटर सामग्री सप्लाई के लिए बिल भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसके लिए वे ठेकेदार से 80,000 रुपए रिश्वत ले चुके थे, फिर 30,000 रुपए की और रिश्वत की डिमांड कर रहे थे। शिकायत पर अजमेर एसीबी की टीम ने इन्हें रंगे हाथों 27,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया। आरोपी उपाध्यक्ष नरेंद्र बाबेल द्वारा नगर पालिका में बिल पास करने की एवज में कमीशन के रूप में 40,000 रुपए मांगे गए। यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक समीर कुमार सिंह और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एडिशनल एसपी राकेश कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया। जज ने आरोपी को 22 गवाह एवं 26 दस्तावेज के साथ ही डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1,00,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के साथ बढ़ रहे यौन अपराध को गंभीरता से लिया जाए। विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग की अप्रैल 2020 में तबियत बिगड़ गई। चिकित्सक द्वारा जांच में वह प्रेग्नेंट पाई गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग पीड़िता के बयान लिए। पीड़िता ने बताया कि वासुदेव अंकल द्वारा उसके साथ कई बार गलत काम किया गया। पुलिस ने आरोपी 58 वर्षीय वासुदेव सोनी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। जोधपुर जिले के शेरगढ़ में हुए सिलेंडर ब्लास्ट मामले में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जोधपुर के भुंगरा में बारात रवानगी से पहले गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने दुख वेदना और विपत्ति का ऐसा पहाड़ दूल्हे सुरेंद्र सिंह परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर ढहा दिया है कि मापना संभव नहीं। 8 दिन में अब तक दूल्हे के माता पिता समेत 31 लोगों की मौत हो चुकी है। दूल्हे सुरेंद्र का एक भाई गांव में ही रुका हुआ है। वह घायलों को देखने अस्पताल नहीं गया, क्योंकि वह भी चला गया तो अंत्येष्टि कौन करेगा। गुरुवार को 4 और घायलों ने दम तोड़ दिया। पिछले 5 दिन से गांव में रोज गठरियों में सिमट कर जिंदगी आ रही है। देह इस कदर जल चुकी है कि अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकते। समझ नहीं आ रहा कि यह गांव है या शमशान। उम्र भर की लाशें तो एक हफ्ते में ही देख ली, शादी की तो तारीख निकल गई, लेकिन अब मृतकों की 12वीं 13वीं का हिसाब लगाया जा रहा है। कुल 54 लोग झुलसे थे, 6 ही ठीक हुए। 17 घायल जोधपुर के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाले ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेन की तैयारी करने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एनटीए ने अपनी नोटिफिकेशन में बताया कि परीक्षा का आयोजन 24 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। हालांकि गणतंत्र दिवस के दिन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। एनटीए के मुताबिक स्टूडेंट्स जेईई मेन 2023 के लिए 15 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। इसके बाद जेईई का दूसरा सत्र अप्रैल 2023 में प्रस्तावित है। नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी 2023 को किया जाएगा। जयपुर में लुटेरी दुल्हन गैंग का मुहाना थाना पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। दोनों बबदमाशों ने शादी करवाने की एवज में 3,00,000 रुपए ऐंठे थे। सप्ताह भर रही दुल्हन भी रात के समय गहने कैश समेट कर फरार हो गई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर लुटेरी दुल्हन की तलाश की जा रही है। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया कि लुटेरी दुल्हन गैंग के सरगना 65 वर्षीय दुल्लारे सिंह जादोन निवासी सब्बलगढ़ मुरैना एमपी और 32 वर्षीय गोविंद शर्मा निवासी शोपुर एमपी हाल रामपुरा रोड मुहाना को अरेस्ट किया गया है। डीसीपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी दुलारे सिंह जादोन गैंग का सरगना है। वह शादी नहीं होने वाले लोगों की शादी करवाने का झांसा देकर उसे अपने चंगुल में फंसाता है। श्रीगंगानगर शहर की सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस और जॉर्डन गैंग से जुड़े कुछ बंदियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को ईंट मारी, हालांकि इससे किसी बंदी को चोट नहीं आई। जेल के सिक्योरिटी स्टाफ को जानकारी मिलते ही उन्होंने हालात संभाल लिए। इस संबंध में शहर के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। शहर की सेंट्रल जेल में बास्केटबॉल ग्राउंड के पास ईंटें लगाकर पार्क बनाया हुआ है। यहां बंदी सागर, विक्रम उर्फ विक्की, अजय बॉस, दीपेंद्र सोनी, सतवीर और 8 अन्य बंदी खड़े थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने पार्क में कयारियों के किनारे पर लगी ईंट उखाड़ ली और एक दूसरे को दे मारी। गनीमत रही कि ये ईंटें किसी को नहीं लगी। इस संबंध में जेल प्रहरी लेखराम ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले के नेशनल हाईवे 68 ओवरब्रिज पर सेल्फी व सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे 5 युवकों को बोलेरो कैंपर गाड़ी ने कुचल दिया। 5 युवक घायल हो गए, इसमें 3 गंभीर घायलों को गुजरात रेफर कर दिया गया है। घटना धौरीमन्ना कस्बे की है। धौरीमन्ना पुलिस ने बोलेरो कैंपर गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर को पकड़ लिया है। पुलिस के अनुसार 2 बाइक पर 5 युवक कैमरे लेकर नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पर पहुंचे। वहां पर फोटो वे सोशल मीडिया के लिए रील बना रहे थे। इस दौरान संचोर की तरफ से आ रही बोलेरो कैंपर गाड़ी ने 5 युवकों को कुचल दिया। हादसे के बाद ओवरब्रिज के नीचे खड़े लोगों ने सभी युवकों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक जिले के देवली शहर से सटी ज्योति कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली एक विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हनुमान नगर थाने के ASI कैलाशनाथ ने बताया कि ज्योति कॉलोनी में जैन मंदिर के समीप हेमराज मीना के मकान में किराए पर रहने वाली 21 वर्षीय दीप्ति पत्नी अभय सिंह मीना निवासी काला भाटा थाना हनुमान नगर ने फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बता दें कि 1 साल पहले ही युवती की शादी अभय सिंह के साथ हुई थी। अभय सिंह जहाजपुर तहसील में लिपिक है तथा वर्तमान में पंडेर में कार्यरत है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर अभय सिंह को कस्टडी में रखा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस संगठन चुनाव लड़ेगा, संगठन जीतेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बाद में देखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। जयराम रमेश के बयान के सियासी मायने हैं। 3 नेताओं के खिलाफ जांच जारी। जयराम रमेश ने कहा कि अनुशासन कमेटी के बारे में जहां तक सवाल है तो वह ऑनगोइंग इंक्वायरी चल रहा है। ऑनगोइंग का मायना क्या होता है? गोइंग ऑन इंक्वायरी चल रहा है। ऑनगोइंग का मायने क्या होते हैं? गोइंग ऑन जांच हो रहा है। जब जांच खत्म होगा निर्णय लिया जाएगा। कोई नहीं कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, एकजुट होकर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, एक व्यक्ति को नहीं जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। पंजाब में लुधियाना के कस्बा कोहाड़ा में 8 दुकानें आग लगने से राख हो गई। बताया जा रहा है कि एक दुकान में व्यक्ति अवैध रूप से छोटे सिलेंडर भरने का काम करता था। इस बीच किसी सिलेंडर से गैस लीक हो गई। गैस की लीकेज के बाद दुकान में अचानक आग लग गई। धमाकों की आवाज से आसपास के लोगों में भी भगदड़ मच गई। दुकानदार जब तक आग लगने के कारण समझ पाता तब तक दुकान में धमाके होने लग गए। इस बीच साथ लगते 7-8 दुकानों तक आग पहुंच गई। आग ने दुकानों का सारा सामान चपेट में लेकर राख कर दिया। घटनास्थल पर लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाना असहज हो गया। कुछ ही देर में समराला, फोकल पॉइंट, सुंदर आदि फायर स्टेशनों से दमकल विभाग की गाड़ियों और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें लोगों को दिखाई दे रही थी। इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि 2 लोग आग की चपेट में आए हैं। झुलसे लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। घायलों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।